ICR म्यूजिक सुनना हर किसी को पसंद है, और म्यूजिक जितना ज़्यादा तेज हो और जितनी अच्छी साउंड क्वालिटी हो उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम आपको काफ़ी तगड़ा एक टावर स्पीकर बना करके दिखाने वाले हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मस्त होगी, क्योंकि इसमें हम 2 8-8 इंची 50-50 वाट की स्पीकर लगाने वाले हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि इसका साउंड कितना ज़्यादा तेज होगा, और इस टावर स्पीकर को आप अपने घर पर एकदम आसानी से बना भी लोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, टावर स्पीकर बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 8-8 इंची 50-50 वाट के स्पीकर लिया हूँ, और इन दोनों स्पीकर को फिट करने के लिए पहले हमें बॉडी बनाना होगा। तो बॉडी बनाने के लिए मैं 12 mm मोटे MDF बोर्ड से सेम साइज के 4 टुकड़े कट किया हूँ। इनकी जो लंबाई है वो है करीब 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एक टुकड़े को कुछ इस प्रकार से रखना है, और फिर इसके दोनों साइड पर 2 टुकड़ों को कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है, और जो आखिरी वाला टुकड़ा बचा है इसे इसके ऊपर साइड चिपका देना है। तो चलिए मैं इन 4 टुकड़ों को फेविकोल की मदद से चिपका लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं 4 टुकड़ों को एकदम अच्छी तरीके से फिक्स करके चिपका दिया हूँ, और इसके ऊपर साइड में थोड़ा सा वजन भी रख दिया हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक सके। और अब इसे सूखने के लिए हम 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो गाइस, हमें करीब 5 घंटे हो चुके हैं, और अब आप देख सकते हो कि इसके 4 टुकड़े एकदम अच्छे तरीके से चिपक चुके हैं। लेकिन गाइस, अगर अभी ये ऐसे ही गिर जाता है तो इसके टुकड़े अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें 4-4 होल करके स्क्रूओं को लगाना होगा। तो चलिए हम इसमें फटाफट से होल करके स्क्रूओं को लगा करके अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इसके दोनों साइड पर स्क्रूओं को लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ, और अब जो हमारे टावर स्पीकर की बॉडी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है कि इसे नीचे साइड से पूरा कवर करना है। तो इसके लिए मैं MDF बोर्ड से 10x11 इंच का एक पीस कटिंग किया हूँ। तो चलिए पहले मैं इसके चारों तरफ फेविकॉल लगा लेता हूँ, और फिर इसे मैं फिक्स करके चिपका लेता हूँ। तो भाइयों, मैं इसे चिपका करके इसमें स्क्रूओं को लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ। और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे ये दोनों स्पीकर हैं, इन दोनों स्पीकर को इसके आगे साइड पर फिट करना है। तो इन्हें फिट करने के लिए इनकी साइज के इसमें हमें 2 होल करना होगा। तो चलिए हम इसमें होलसा की मदद से होल कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं इसमें दोनों स्पीकर के लिए होल कर लिया हूँ, और इसके यहाँ पर मैं 2 छोटे-छोटे होल किया हूँ ताकि जो दोनों स्पीकर का अंदर का साउंड है वो यहाँ से बाहर की साइड निकल सके। और अब इसमें हमें इन दोनों स्पीकर को फिट करना है। तो मैं दोनों स्पीकर में 2 वायर कनेक्ट कर लिया हूँ, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लैक वायर को। तो चलिए अब इन दोनों स्पीकर को इसमें फिट करके स्क्रू की मदद से टाइट कर लेते हैं। तो
तो ये देखिए गाइस, मैं इसमें दोनों स्पीकर को फिट करके स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हूँ। और अब इन दोनों स्पीकर को बजाने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल एम्पलीफायर बोर्ड। तो इसके लिए मैं क्लास डी 7498 नंबर का ये एम्पलीफायर बोर्ड लिया हूँ और ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 600 रुपए का मिला है। और इससे आप 100 वाट के दो स्पीकर को एकदम आसानी से बजा सकते हो। और ये एम्पलीफायर बोर्ड 24 वोल्ट पर चलता है। तो इसके जो ये दोनों सॉकेट हैं ये स्पीकर के लिए हैं और इसका जो बीच वाला सॉकेट है ये पावर देने के लिए है। और इसके आगे साइड पर एक सॉकेट दिया गया है 3 पिन वाला, ये ऑडियो इनपुट के लिए है। और इसके जो ये दोनों सॉकेट हैं ये लीड के लिए हैं, आप इसमें लीड कनेक्ट करके इसे मोबाइल से बजा सकते हो। और इसमें एक वॉल्यूम बटन दिया गया है तो इसकी मदद से आप इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और गाइस, ये एम्पलीफायर बोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होगा। इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए हमें अलग से कुछ इस टाइप का एक ब्लूटूथ कार्ड लेना होगा। ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में 70 रुपये का मिला है और इसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके तो बजा ही सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड लगा करके भी आप इसे बजा सकते हो। और इन दोनों को इस टावर स्पीकर के ऊपर साइड कुछ इस टाइप से लगाना है, तो इन्हें लगाने के लिए इनकी साइज की हमें यहाँ पर कटिंग करना होगा। तो चलिए हम इसमें फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इसमें ब्लूटूथ और एम्पलीफायर बोर्ड के लिए कटिंग कर ली है और इसके अंदर साइड से हमने पीबीसी शीट का एक टुकड़ा चिपका दिया है, क्योंकि जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के लीड वाले सॉकेट हैं और वॉल्यूम वाला बटन है ये इससे बाहर साइड नहीं निकल पा रहे थे। और अब इन दोनों को इसमें फिक्स करना है, तो इन्हें फिक्स करने से पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं दोनों स्पीकर के वायर को इन दोनों सॉकेट से कनेक्ट कर दिया हूँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव को, नेगेटिव से नेगेटिव को। और इसका जो ऑडियो इनपुट वाला सॉकेट है इससे मैं 3 वायर को कनेक्ट करके इस ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो आउटपुट वाले सॉकेट से कनेक्ट कर दिया हूँ। अब गाइस, जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है ये 24 वोल्ट पर चलता है और जो ब्लूटूथ कार्ड है ये 5 वोल्ट पर चलता है। तो इसके लिए मैं एक 24 वोल्ट 3 एम्पियर की पावर सप्लाई लिया हूँ। इससे हमारा एम्पलीफायर बोर्ड तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा ब्लूटूथ कार्ड है इसके लिए मैं एक डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल लिया हूँ। इसमें जो ये स्क्रू के जैसा लगा है इसे हम घुमा करके अपने हिसाब से वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले ही घुमा करके 5 वोल्ट पर सेट कर लिया हूँ। अब हम इसमें जैसे ही 24 वोल्ट देंगे तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम इसके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैं पावर सप्लाई के दोनों वायर को स्टेप डाउन मॉड्यूल के इनपुट वाले दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हूँ और फिर इनसे मैं 2 वायर को कनेक्ट करके एम्पलीफायर बोर्ड के बीच वाले सॉकेट से कनेक्ट कर दिया हूँ। और जो हमारे स्टेप डाउन मॉड्यूल के आउटपुट वाले पॉइंट हैं इनसे मैं 2 वायर को कनेक्ट करके इस ब्लूटूथ कार्ड से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं और इसके कनेक्शन आपको पॉजिटिव नेगेटिव देख करके ही करना है। अब जो हमारी पावर सप्लाई का प्लग है इसे हम जैसे ही लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट करेंगे तो हमारे दोनों स्पीकर बजने लगेंगे। अब गाइस, हमें इन सभी को इसके अंदर साइड फिट करना है, तो चलिए हमें ना जल्दी से इसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो गाइस, हमने इसमें ब्लूटूथ एम्पलीफायर बोर्ड और स्टेप डाउन मॉड्यूल तीनों को अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है और जो हमारी पावर सप्लाई थी उसे हमने इसके अंदर नीचे की साइड चिपका दिया है और उसकी जो प्लग केबल थी इसे हमने इसके पीछे साइड पर एक होल करके यहाँ से बाहर निकाल लिया है। अब गाइस, इसे ऊपर साइड से हमें पूरा कवर करना है, तो इसके लिए मैं MDF बोर्ड से 10x11 इंच का एक पीस कटिंग किया हूँ और इसे इसके ऊपर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपकाना है। तो चलिए पहले मैं इसके चारों तरफ फेविकोल को लगा लेता हूँ और फिर इसे मैं फिक्स करके चिपका लेता हूँ।
तो देखिए गाइस, मैं इसे चिपका करके स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया हूँ और इसके नीचे साइड पर मैं प्लास्टिक के 4 छोटे छोटे लेग लगा दिया हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से खड़ा हो सके। और अब हमारा ये टावर स्पीकर बनकर कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो इसका जो प्लग है इसे हम लगा देंगे डायरेक्ट इस लाइट वाले बोर्ड में। आप देख सकते हो कि ये ऑन हो चुका है और अब हम अपनी मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करके इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा टावर स्पीकर कनेक्ट हो चुका है और अब हम NCS म्यूजिक बजाते हैं। गाइस, आप देख सकते हो कि जो हमारा टावर स्पीकर है वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा मस्त है। और अभी हमने सिर्फ मोबाइल के ही वॉल्यूम को फुल किया था, एम्पलीफायर के वॉल्यूम को बिल्कुल भी फुल नहीं किया था। तो चलिए पहले हम एम्पलीफायर के वॉल्यूम को फुल करते हैं और अब हम अपने मोबाइल के वॉल्यूम को फुल करते हैं। अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा टावर स्पीकर है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसकी साउंड क्वालिटी कितनी ज़्यादा मस्त है। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये टावर स्पीकर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।